आपकी बाइक आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि बाइक का स्पार्क प्लग जो है वो खराब हो रहा है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, आइए बताता हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी कोल्ड स्टार्टिंग की। कोल्ड स्टार्ट में आपको बहुत लंबे लंबे सेल्फ बाइक को देना पड़ेंगे या बहुत देर तक किक मारना पड़ेगा, उसके बाद ही मोटरसाइकिल स्टार्ट होगी। इसका मतलब स्पार्क प्लग खराब हो रहा है या फिर और कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन पहली चीज स्पार्क प्लग चेक कराना है। दूसरी प्रॉब्लम आपको महसूस होगी बाइक जो है वो लोअर आरपीएम पर हल्की हल्की मिसिंग करने लगेगी, और जैसे ही आप थ्रॉटल फुल दे देंगे तो उसके बाद जो है वो इंजन अपने तरीके से सही से चलने लगेगा। इसका मतलब यह है कि स्पार्क प्लग खराब हो रहा है और फ्यूल को सही से बर्न नहीं कर पा रहा है। तीसरी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको माइलेज जो है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, और माइलेज ड्रॉप होने के साथ साथ आपकी जो मोटरसाइकिल है वो मिसफायर भी करेगी और ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो स्पार्क प्लग चेंज करने का खर्चा 150 से 200 रुपए तक आ सकता है, और आप इसको सर्दियों से पहले पहले ही चेंज करा लें, क्योंकि सर्दियों में ये प्रॉब्लम्स जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी आपकी। अगली प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपकी बाइक के साइलेंसर में से हल्के हल्के पटाखे टाइप के फूट रहे हैं चलते में, तो उसका मतलब भी हो सकता है कि आपकी बाइक का जो स्पार्क प्लग है वो खराब हो रहा है और फ्यूल को सही से बर्न नहीं कर पा रहा है। ये रील आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और SR मोटोवर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।